नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने जा रहा है। ऐसे में ये भारत में कब लगेगा, ये भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, और गर्भवती महिलाएं इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। मित्रों, इस ग्रहण का सूतक काल कौन सा रहने वाला है, कौन से शुभ कार्य को करने से चंद्र ग्रहण का असर आप लोगों के जीवन में नहीं होगा, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आप लोगों के जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होंगी, आपको बताएंगे कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करना चंद्र ग्रहण के दौरान वर्जित होता है, और गर्भवती महिलाओं को कौन से ऐसे उपाय करने हैं जो कि इन लोगों के गर्भ में पल रहे जो कोई भी असर ना हो। और मित्रों, आपको बताएंगे तथा अगर आपको भी जानना है कि आपके शहर में कब चंद्र ग्रहण लग रहा है और आपके शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, 16 मई को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही लंबा चंद्र ग्रहण होगा जो कि 16 मई की सुबह से प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति शाम के 7:15 पर होगा। मित्रों, वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण 2022 का है और इसका बहुत बड़ा और भयानक होने के कारण यह काफी असर भी इसका देखा जा सकता है। देश की आर्थिक स्थितियां और लोगों के जीवन में भी इसका काफी भयंकर असर देखा जाएगा, किंतु कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से और चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कम किया जा सकता है, और इस चंद्र ग्रहण के शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। चंद्रदेव, जिनका चंद्र इस समय थोड़ा सा नाजुक है, या चंद्र जिसका भी स्थिति कमजोर है, उसको भी मजबूत करने में काफी यह सहयोग करेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण को पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर और अमेरिका के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, और इन जगहों पर यह पूर्ण रूप से चंद्र को गोचर होने वाला है। यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है और यह दिखाई भी देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं मनुष्यों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन से ऐसे कार्य करने हैं या कौन सी ऐसी पद्धतियों का निर्माण करना है जो कि चंद्र ग्रहण का असर आप लोगों के जीवन में कम पड़ सके। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य हो नहीं करना है, चाहे कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो कि आप लोगों के लिए प्रभावित है या फिर आप लोगों के लिए आवश्यक है, उन सभी कार्यों को छोड़कर आप कोई भी कार्य न करें। इस दौरान बहुत ही सावधानी रहें और चंद्र ग्रहण से बचने का प्रयास करें। वाद विवादों से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें, भगवान की प्रतिमा को हाथ न लगाएं और तुलसी के पौधे को भी हाथ न छुएं। ग्रहण काल के दौरान सोना भी वर्जित होता है। ग्रहण काल में मल मूत्र विसर्जन भी निषेध होता है। ग्रहण काल के समय शारीरिक और कई प्रकार के कष्टों से आप बचने का प्रयास करें, और आप दातुन भी ना करें। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। ग्रहण के समय मन ही मन आप अपने इष्ट देवता को याद करें। मंत्रोच्चारण करने से ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही कम होते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद आप जितना हो सके यथाशक्ति आटा, चावल, चीनी और जो भी जरूरतमंद लोगों के दान करने से आप जरूर कर लें, और आप ग्रहण लगने से पहले ही आपको तुलसी के पौधे को खाने पीने की चीजों में रख देना चाहिए, और ग्रहण की समाप्ति के बाद घर की सफाई करके ही आप स्नान कर लें। ऐसे में आइए जानते हैं ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जो कि आप अगर करते हैं तो आपके बच्चे पर इसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना होगा। ग्रहण काल के समय चंद्रमा को बिल्कुल भी ना देखें, इससे आप लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। आप ग्रहण काल में अपने घर के चार दीवारी में कैद रहें, और कई प्रकार के कष्टों से आपको बचने के लिए गुरु के मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए।
नुकीली चीजें, धारदार चीजें जैसे कि कैंची, चाकू, सुई इत्यादि का प्रयोग भी बिल्कुल भी न करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाएं। ग्रहण काल के दौरान कपड़ों की सिलाई भी वर्जित होती है। कपड़े सिलना, ऊनी से ऊनी कपड़ों को सिलना इत्यादि भी वर्जित होते हैं। मुंह में तुलसी रखकर हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान जरूर करना चाहिए। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 16 मई को लगने जा रहा है और यह वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। ऐसे में आप विशेष सतर्क रहें और बच्चों के भविष्य को लेकर आप जरूर सावधानी बरतें। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।